प्रोफेसर राम गोपाल यादव। वेरी गुड, धन्यवाद श्रीमान। माननीय उपसभापति जी, ये अच्छी बात है कि आज हम गृह मंत्रालय पर चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है और जितना ये महत्वपूर्ण है माननीय गृह मंत्री जी, उतना ही आपके लिए ये कांटों का ताज भी होता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को तो आपको झेलना ही पड़ता है। देश की जनता के साथ सामने जवाबदेह होना पड़ता है संसद के माध्यम से और अन्य तरीकों से, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लोगों से न मिल पाते न उनके लिए कुछ कर सकते। इसलिए आम तौर पर जो गृह मंत्री होते हैं वे चुनाव हार जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कांटों का ताज भी होता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बहुत नटसेल में, संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा अपना समय देखते हुए। देश के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है आंतरिक सुरक्षा की। हालांकि बाहर से आने वाले आतंकवादी भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन देश के अंदर जो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे PWG हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हों जो देश को तोड़ने या लोगों के साथ मनमानी करने के लिए काम कर रहे हैं, ये ऐसी समस्या है जो आए दिन आपके लोगों को, क्योंकि मिलिट्री से भी आके पोस्ट होती है BSF जो आपके अधीन होती आती है, वो मिलिट्री जो पोस्ट होती है उससे आगे भी मिलिट्री और दूसरी बॉर्डर के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग होते हैं। तो सबसे पहले उस पर आपका, उधर जो बाहर से आने वाले आतंकवादी हैं उनसे पाला पड़ता है, और देश के अंदर आप देख ही रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कुछ हिस्सा बिहार का हो, उत्तर प्रदेश के दो जिलों में भी ये आ गया था, लेकिन वो नियंत्रित हो गया था, कोई घटना लंबे अरसे से वहाँ नहीं इस तरह की। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो त्यागी जी ने कहा कि जो असमान तस्सही, इसकी जड़ पर जानने की आपको ज़रूरत है कि आखिर हुआ ऐसा क्यों, क्यों आदिवासी लोगों ने अस्त्र उठाए, और आने वाले और वक्त के साथ साथ उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए, जो गरीबों से लड़ते थे वो गरीबों को ही मारने लगे और लोगों को ही मारने लगे, तो उनकी जमीन जायदाद जो बाप दादे से जोते चले आ रहे थे, साथ साथ पुश्तों से जोते चले आ रहे थे, मालिक उनके वो नहीं थे, तो उनके बच्चों को ये लगा जब पढ़ लिख के बड़े हुए कि हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। तो भूमि सुधार और तमाम तरह की बातें हैं, न वहाँ पढ़ाई की कोई सुविधा है, न उनके गांव तक सड़कें हैं, न पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था है, इन सारी उपेक्षाओं से नाराज़ होकर कुछ लोगों ने ये शुरू किया, और कुछ स्वार्थी तत्व लूटपाट के उद्देश्य से भी उसमें जुड़ गए, और जिस उद्देश्य से उन लोगों ने हथियार उठाए थे वो उद्देश्य बेकार हो गया। अब नतीजा ये है कि सरकारें भी बहुत सख्त कदम उठाने से डर रही हैं। अच्छी बात यह है कि पहली बार गृह मंत्री ने ये कहा है कि हम छत्तीसगढ़ को और अन्य राज्यों को हेलीकॉप्टर्स भी उपलब्ध कराएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं इन नक्सलाइट्स को या माओवादियों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ये है कि आप ईयर मार्क करते हैं अपने बजट में कितना परसेंट नॉर्थ ईस्ट को जाएगा। एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने उस वक्त जो नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज मंत्री थे, आपकी सरकार थी अरुण सौरी साहब, वो आए हम लोगों से। उन्होंने ये स्वीकार किया कि अगर हर व्यक्ति को पैसा दे दिया जाता, दो दो चार चार दस दस लाख, तो उसका सदुपयोग हो जाता, सब लखपति हो जाते और पैसे का सदुपयोग हो जाता। लेकिन जो ये पैसा जा रहा है, इस पर जो वहाँ के आतंकवादी किस्म के लोग हैं, सेसनिस्ट हैं, वो ले लेते हैं, उसमें से हिस्सा लेते हैं। और सही बात तो यह है कि जो अफसरों की का वेतन है, उसमें से भी कुछ परसेंट पैसा वो लोग लेते हैं, वरना काम नहीं करने दे सकते। एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग नाम से बार बार दिया जाता है, पैसा कोई खर्च नहीं होता है और काम दिखा दिया जाता है, पूरा बजट ऐसे ही चला जाता है। तो इसको कैसे सुधारेंगे, हम तो इसमें ज़्यादा कुछ सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस इलाके से भी आते हैं कि इस पर जो पैसा आपकी गवर्नमेंट देती है, वो जो उग्रपंथी लोग हैं उनसे हटकर जनता के बीच कैसे जाए, कैसे डेवलपमेंटल काम हो, ये देखें आप। एक जब राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सवाल उठता है, तो ये सही है कि ये विषय तो राज्य का होता है, लेकिन केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री को राज्यों से रिपोर्ट मांगने, उनको एडवाइजरी देने, ये सब हक होता है। बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है, अभी भी अश्विनी कुमार जी बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई। हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मेरे पास और सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट मेरे पास है, सीआरबीसी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2013 में जो रेप की घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में 3050 हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 4355, राजस्थान में 3285 और महाराष्ट्र में 3053। डकैती की महाराष्ट्र में 833, उत्तर प्रदेश में 596, बिहार में 579, उड़ीसा में 436। हत्या में उत्तर प्रदेश 5047, बिहार 3441, महाराष्ट्र 2512, मध्य प्रदेश 2112। अगर ये रेट देखें इस तरह से, आप ये देखेंगे जो क्राइम रेट प्रति एक लाख पर जो रेट है, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां है। उत्तर प्रदेश से ऊपर है असम, केरला, अरुणाचल प्रदेश, इसी सीरियलिटी में है जम्मू कश्मीर, मेघालय, हरियाणा, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तब आता है उत्तर प्रदेश। दंगों और इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध की भी बहुत चर्चा होती है। बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर, लखनऊ, पिछली वर्ष दिल्ली में 11,449 घटनाएं हुई, मुंबई में 2,946, बंगलोर में 2,608, अहमदाबाद में 2,449, आपकी राजधानी है प्रधानमंत्री, कोलकाता 2,399, हैदराबाद 2,132, विजयवाड़ा 2,071, जयपुर 2,033, लखनऊ 1,431। तो ये स्थिति तो है जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की है, दंगों के बारे में भी है इसमें कहीं रिपोर्ट। ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, इसमें जो दोष सिद्धि का मतलब एक्विटल, आपको ये देखना पड़ेगा जुडिशियल सिस्टम में जब लोगों को ये होता है कि मुकदमा छूट जाएगा, हम अपराध करें
तो उसको कोई खौफ नहीं होता, बेखौफ होकर अपराध करता है। जब उसे लगता है कि हम अपराध करेंगे और छूट नहीं पाएंगे, तब कुछ अपराधों में कमी आती है। तो जो रेट है दोष सिद्ध की, जिसमें सजा हुई, कन्विक्शन हुआ, वो उत्तर प्रदेश में है 50.9%, और यह हत्या के मामलों में। महाराष्ट्र में 27.4%, कर्नाटक में है 17.7%, गुजरात में है 22.8%, छत्तीसगढ़ में है 35.7%, और बिहार में है 24.7%, आंध्र प्रदेश में 31%। इतने बड़े पैमाने पर एक्विटल हैं। अगर 31% रेट है इसके मानी 69% लोग छूट जाते हैं हत्या जैसे गंभीर मामलों में। तो ये उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ माननीय गृहमंत्री जी से आपके माध्यम से, कि देश को मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में ये यूएन की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से बलात्कार में जो दर है प्रति 1,00,000 पर, हिंदुस्तान में है 1.8, अमेरिका में है 27.3, स्वीडन में है 63.5, फ्रांस में है 16.2, यूनाइटेड किंगडम में है 28.8। जब ये स्थिति है और हमारा मीडिया इतना चिल्लाता है, कोई घटना हो जाती है कि लोगों का, हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी संख्या में 30% कमी आ गई, इसका हमें सोचना पड़ेगा। WTO पर हमला हुआ, 25,000 लोग मारे गए, या किसी ने एक लाश को भी देखा TV पर? कोई एक डेड बॉडी कभी दिखाई गई? यहाँ अगर गोधरा में लाशों को TV पर निरंतर न दिखाया जाता तो गुजरात में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो टेलीविज़न और मीडिया की वजह से इतने बड़े पैमाने पर फैलती हैं, उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा गृहमंत्री। हम नहीं चाहते हैं कि मीडिया पर कोई पाबंदी लगे, लेकिन मीडिया के लोगों को भी राष्ट्रहित में ये सोचना चाहिए कि दूसरे देशों में इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की तुलना में ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हत्या हो। ये केवल एक मामला नहीं है, हत्या के मामले में भी हिंदुस्तान का रेट जो है प्रति 1,00,000 में 3.5 है UN रिपोर्ट के हिसाब से, जबकि बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों में। ये 10-12 बड़े देशों में सबसे कम इंडिया में, इससे कई कई गुना ज़्यादा दूसरी जगह है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, मिलके लोगों को, मीडिया के लोगों से भी ये कहना पड़ेगा कि देश को बहुत बड़े पैमाने पर बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। बदायूं का मामला UN तक चला गया, और जब CBI ने जांच की तब क्या निकला? केवल एक कौन सा वो हत्या होती है जिसमें जो परिवार के लोग मार देते हैं, ऑनर किलिंग निकला और यूनाइटेड नेशंस में चला गया और हिंदुस्तान की। तो जब ये चीज़ें होंगी इतने बड़े पैमाने पर, हम देखिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग चीज़ बात होती है, लेकिन देश बड़ा है, देश राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा है, और देश के हितों के खिलाफ या देश का सम्मान दुनिया की नज़र में गिरे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। माननीय गृहमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा और बिल्कुल डिस्पैशनेट होकर, इसमें कोई राजनीति नहीं कि वे अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, मैंने एक दिन मिलकर कहा भी था यहाँ, कि उनको ये निर्देश दें कि जब केंद्र में उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में अगर दंगा कराने की कोशिश करोगे तो उसके छींटे आप पे आएंगे, बच नहीं सकते। तो इसको उसको बढ़ाने की कोशिश न करें, और गृहमंत्री होने के नाते उनके दल के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये देखें कि जब देश का गृहमंत्री हमारा है तो हम कोई ऐसा काम न करें कि जिसकी वजह से ये उंगली उठे कि इनकी वजह से ये गड़बड़ी हो रही है। लोग हैं, हम अकेले में उनको सारे सबूत दे देंगे कि उनके लोग क्या बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज, उनके स्टिंग ऑपरेशंस, और किस तरह से कैसे दंगा कराया जाए, कैसे कहां हमला किया जाए, ये सारी बातें हैं जो कभी अकेले मिलकर मैं माननीय गृहमंत्री जी को दूंगा और बताऊंगा कि क्या लोग कर रहे हैं। और बहुत प्रचार होता है कि लोगों को अपीज करने के लिए कार्रवाई की जाती है। अभी सहारनपुर में एक झगड़ा हुआ, दो लोग मारे गए उसमें, सारे देश में ऐसे दिखाया गया, बहुत बड़ा दंगा हुआ, और कहा कि एक पक्ष के साथ, मतलब मंशा ये था कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती। बिना जानकारी किए हुए मैंने पता किया तो पता चला कि जो 17 लोग गिरफ्तार हुए वे सभी मुस्लिम्स हैं, उसमें एक भी सिख गिरफ्तार नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग सब प्रचार कर रहे हैं कि अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही है, एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती। भाई जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात और मैं गृहमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आईपीसी वगैरह का जो सेंटर है, जो जो ट्रेनिंग करते हैं आप देते हैं, उसमें एक ऐसी ट्रेनिंग और दिलवाइए, क्योंकि ये जो दंगे फसाद होते हैं उसमें हमने ये देखा है कि निर्दोष हमेशा मारे जाते हैं और दंगा कराने वाला हमेशा बच जाता है। कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स को होने चाहिए कि अगर कोई मरे तो फिर दंगा कराने वाला मरे, निर्दोष कोई न मरे, तो दंगा रुक जाए, दंगे रुक जाएंगे। हमने देखा है दो एक जगह इस तरह की जहां कार्रवाई हो गई, बाद में कभी दंगा हुआ ही नहीं। आपको मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए आप पैसा तो बहुत दे रहे हैं, मॉनिटर कीजिए उसको, हल्के हथियार होने चाहिए, मार उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे विदेशों में है। हमारा कॉन्स्टेबल 10 किलो की राइफल लेके नहीं दौड़ सकता किसी के पीछे, SLR देके। बहुत बढ़िया किस्म के वेपन्स होने दीजिए, गाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप मंत्री हैं, आपके साथ एस्कॉर्ट जब चलता है तो आपकी गाड़ी आगे चली जाती है, एस्कॉर्ट पीछे रह जाता है मीलों। गाड़ियों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, असलाह बहुत अच्छे होने चाहिए, और जो बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की कमी है सारे राज्यों में, राज्य सरकारों को निर्देश दीजिए कि संयुक्त जितनी अप्रूव्ड पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट होने चाहिए, फोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में अकेले आपने आंकड़ा दिया, उसमें 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी हैं। अभी हम भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आखिर इतनी बड़ी पे कम क्यों हैं, लेकिन जो एडिशनल SP पोस्ट IPS मिलता है वो यहाँ से मिलता है। यहाँ भी आपको अपने विभाग से कहना पड़ेगा कि जिनका ड्यू है उनको जल्दी प्रमोट करके नोटिफाई करें। जेलों में सुधार की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए पैसा दीजिए राज्यों को। नारकी जिंद कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसकी वजह से लोग अपराधी और बढ़ जाते, अच्छा भी आदमी आए तो निकल के आता है वहाँ से तो अपराधी होके निकलता है। साइबर क्राइम ये सबसे ज़्यादा खतरनाक औजार आ गया है लोगों के हाथ, मन चाहे तरीके से जैसे चाहे वैसे वीडियो भेज देंगे,
तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। सांप्रदायिक दंगा कराने में, बढ़ाने में, आग लगाने में सबसे बड़ा काम है साइबर क्राइम का। इसलिए साइबर क्राइम से संबंधित जो कानून है उसको सख्त बनाइए, लोगों पर जल्दी कार्रवाई हो सके उसके लिए ट्रेनिंग दीजिए उस कानून की। लोगों को, पुलिस वाले लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से इनको गिरफ्त वो किया जाए, कार्रवाई की जाए। दूसरे, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि 7 साल से कम अगर किसी को सजा होती है तो गिरफ्तार नहीं पुलिस कर सकती। इसने ऐसा झमेला पैदा कर दिया कि आपकी बांह कोई तोड़ दे लाठी मार के तो पुलिस मुकदमा लिख लेगी, चार्जशीट लेगी, मुकदमा चले, सजा हो जाए अलग बात है, बट द पुलिस कांट अरेस्ट यू। इसको रिव्यू करने के लिए मेरी आपसे अपील है कि आप रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इस ये जो फैसला है जिसमें 7 साल से कम सजा वाले लोगों को गिरफ्तार न करने के लिए कहा है, इस पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट और लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस को छूट होनी चाहिए। राजभाषा समिति एक संसदीय राजभाषा समिति होती है, गृहमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति आपने जो कानून बनाया 1963 में से लागू हुआ, उसके बाद 76 में लागू हुआ कानून बना, 1963 में था, तो हिंदी का चलन ठीक तरीके से नहीं है अब भी केंद्रीय भाषाओं में। कानून होने के बाद भी ये देख, उसके अध्यक्ष हैं समिति के गृहमंत्री, वो देखें कि इस पर सही तरीके से अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फेडरल सिस्टम को बचाए रखना गृहमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। त्यागी जी ने और लोगों ने भी इशारा किया, बार बार लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में धमकियां दी जाती हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वे रोजाना धमकी देते हैं, जैसे कोई उत्तर प्रदेश की सरकार गाजर और मूली हो जाए फाड़ के फेंक देंगे। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है कि नवंबर से पहले ख़त्म हो जाएगी, इससे पहले नहीं चल सकती है, ये धमकियां देना बंद करें। हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, जीवन भर संघर्ष किया है, जब कुछ नहीं थे तब से संघर्ष किया है, और संघर्ष किया है, कभी किसी की परवाह नहीं की। आप जानते हैं, आप बहुत बड़ी ताकत में रहे तब भी मैंने परवाह नहीं की, और आप 73 हैं, 60 से आपको 8 पर लाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि 73 जीत गए तो जीत जाओगे दोबारा भी। दिस परफॉर्मेंस विल नेवर बी रिपीटेड। इसलिए घमंड में आकर आपके प्रदेश के पदाधिकारी अपने सीमाओं से बाहर जाकर राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए जनता की निगाह में, एक सेकेंड, अगर धमकियाँ देने की काम करेंगे तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। गृहमंत्री देश की एकता का प्रतीक होता है, गृहमंत्री का राज्य उत्तर प्रदेश है, गृहमंत्री को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपने राज्य के अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को इंस्ट्रक्ट करें कि न तो वो दंगा फैलाने की बात करें, न राज्य सरकार को बर्खास्त करने की धमकी देने की बात करें। बहुत बहुत राम गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच।